समझाइश से किया धरने पर बैठे मनरेगा श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण। श्री गंगानगर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा दिए गए निर्देशानुसार गुरुवार को पंचायत समिति पदमपुर के विकास अधिकारी श्री रजत यादव IAS ने 56 LNP में धरने पर बैठे मनरेगा श्रमिकों से समझाइश कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया। श्री यादव ने बताया कि पूरन चंद दुबले, छोटूराम वर्मा सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति पदमपुर सहित ग्राम पंचायत जीवन देसर में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में चक 27 ML साजनवाला व चक 56 LNP के धरने पर बैठे मनरेगा श्रमिकों की मौके पर पहुंचकर समस्याओं का निराकरण किया गया। श्रमिकों ने बताया कि उन्हें मनरेगा का कार्य नहीं मिल रहा है। गांव के पास ही मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य स्वीकृत करवाए जावे ताकि श्रमिकों के 100 दिवस इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो सके। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में शुभ शक्ति, छात्रवृत्ति एवं खाद्य सुरक्षा इत्यादि का लाभ मिल सके। मौके पर ही ग्राम विकास अधिकारी सोहन लाल एवं कनिष्ठ सहायक दीपक राज मीना से श्रमिकों के फार्म मनरेगा रोजगार हेतु भरवाए गए। ग्राम पंचायत के गांव 56 LNP, 58 LNP, 27 ML, जीवन देसर इत्यादि गांवों के नजदीक ही मनरेगा में कार्य स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार करवाए गए। कार्य स्वीकृति उपरांत 15 दिवस के अंदर श्रमिकों को नियमानुसार रोजगार उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया। DL सारस्वत की खास रिपोर्ट।